बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूं इमरान और आपको वेलकम करता हूं इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब जी आया नू। आज मैं आपसे शेयर करूंगा दूध वाली सेवियां बनाने का तरीका। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह गांव में रवायती तरीके से दूध वाली सेवियां तैयार की जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार और ये टेस्टफुल सेवियां बनती हैं। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार सी टेस्टफुल दूध वाली रवायती सेवियां बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाती हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार रवायती दूध वाली सेवियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1.5 किलो दूध। मैं यहाँ पे खुले दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको डिब्बे वाले दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको खुले दूध में बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। दूध को शामिल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने दूध को पकाना है। दूध की पकाई हम कैसे करेंगे? बिल्कुल नीचे आग का फ्लेम लो कर देंगे। ऐसे चम्मच हिलाते हुए हमने दूध को यहाँ पे अच्छी तरह उबाला देना है, ताकि इसके ऊपर मलाई भी ना आए और दूध हमारी अच्छी तरह यहाँ पे उबल भी जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको ऐसे मेहनत करनी होगी, तब जाके जनाब हमारी ये मज़ेदार रवायती दूध वाली सेवियाँ बहुत अच्छी और लजीज बनेंगी। तो चलें जी, पहले अच्छी तरह ऐसे हिलाते हुए दूध को पका लेते हैं। यहाँ पे दूध को पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे हो गए हैं। चेक करें माशाल्लाह, मैंने दूध को अच्छी तरह यहाँ पे पका भी लिया है और दूध के ऊपर मैंने मलाई भी नहीं आने दी। इस रेसिपी की स्पेशलिटी यही है कि इस दूध को ऐसे पकाया जाता है, इससे हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें खुशबू के लिए आपने सिर्फ 3 अदद छोटी इलायची शामिल कर देनी है, और छोटी इलायची का मुंह आगे से आपने थोड़ा सा खोल लेना है, ताकि अच्छी तरह फ्लेवर निकल के आ सके। थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें मेवा, बादाम और क्रश किया हुआ, यहाँ मेरा पिस्ता है। सेवइयों में बिल्कुल थोड़े से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट का टेस्ट सेवइयों में एडजस्ट नहीं होता। अब इसमें शामिल कर देते हैं जनाब एक पैकेट, ये 50 रुपये वाला पैकेट है और ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं, बारीक वाली। मार्केट में दो तरह की सेवियाँ मिलती हैं, एक रोस्टेड होती हैं और एक कच्ची सेवियाँ होती हैं। आपने रोस्टेड सेवियों का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कच्ची सेवियाँ हैं तो सबसे पहले आपने एक चम्मच घी या ऑयल का ले लेना है, उसमें अच्छी तरह आपने सेवियाँ रोस्ट कर लेनी है। अब क्या करेंगे, सेम वही मेथड, अच्छी तरह लो से फ्लेम पे ऐसे हिलाते हुए इन सेवियों को हम लोग पका लेंगे, ताकि अच्छी तरह सेवियाँ हमारी पक भी जाए, दूध के अंदर तक फ्लेवर सेवियों का जाए और यहाँ पे दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो जाए। यहाँ पे तकरीबन हमें लगेंगे फिर से 15 से 20 मिनट। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद दूध हमारा यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया। चेक करें, आप इसी तरीके से सेवियाँ बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। सेवियाँ बनाने के बहुत से तरीके हैं और हमारे घरों में बहुत से तरीक़ों से सेवियाँ को बनाया जाता है, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरीके से ट्राई करेंगे। बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। ऐसे लगेगा जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हो, इतनी मज़े की और फ्लेवरफुल लगेगी कि सुभान अल्लाह। इसी स्टेज पे जनाब मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी आपको अच्छी लग रही है तो ब्राय मेहरबानी इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। तो चलें जी, माशाल्लाह ये चेक करें, बड़ी ही मज़े की हमारी सेवियाँ तैयार हो रही हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, मीठे में हम गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो 1 कप मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 लीटर दूध में तकरीबन आप यहाँ पे 1 पाव गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। फिर से अच्छी तरह इसको पकाते हैं, ताकि चीनी हमारी यहाँ पर अच्छी तरह दूध के अंदर पक जाए। अक्सर हम घर में गलती क्या करते हैं कि चीनी को डाल के हल करने के फ़ौरन से बाद उसको उतार लेते हैं। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपने दूध के अंदर भी चीनी को अच्छी तरह पकाना है, ताकि चीनी का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो चलें यहाँ से फिर से इसको 10 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर आपके साथ मिलते हैं।
लें जी, सिर्फ 10 मिनट के बाद चेक करें, माशाल्लाह दूध हमारा कितना गाढ़ा हो गया, चेक करें माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने इसमें खोया शामिल किया है। बिल्कुल भी नहीं किया जनाब, इस तरीके से आप सेवइयां बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अच्छा, यहाँ पे अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आपकी मर्ज़ी है आप इसमें दूध कितना रखना चाहते हैं, आप दूध कितना खुश करना चाहते हैं। कुछ मेरे बहन भाइयों को दूध वाली सेवइयां अच्छी लगती हैं और कुछ को थोड़ा खुश्क दूध वाली, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप जैसे मर्ज़ी इनको पका सकते हैं। तो चलें जी, ये मज़ेदार सी दूध वाली रवायती सेवइयां बनके तैयार हैं, चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट सी लुक आई है। तो चलें जी, ये बनके तैयार है, अब इनको उतार लेते हैं, बाउल में शामिल करते हैं और फिर से आपको मज़ेदार सी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारी दूध वाली सेवियाँ कितनी ही मज़े की और यमी तैयार हुई हैं। बिल्कुल सादा सी सिंपल सी ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत, रखिएगा दुआओं में याद, बहुत सारा प्यार, खुदा हाफिज़।